दुर्ग के भारती कॉलेज में गुरुवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें फॉरेंसिक साइंस एवं फॉरेंसिक मेडिसिन के विशेषज्ञों ने छात्रों का फॉरेंसिक साइंस के बारे में जानकारी दी। ये कार्यशाला सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर शाम 7 बजे तक चली, जिसमें किसी भी अपराध, हत्या जैसे अपराध के बाद फॉरेंसिक टीम किस प्रकार कार्य करती है एवं किन महत्वपूर्ण बातों को लेकर जांच की जाती है, इसके बारे में जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी एवं फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने कार्यशाला के बारे में मीडिया को कुछ इस प्रकार से जानकारी दी है। दुर्ग जिले के भारती विश्वविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारती कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के ओपन होने पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। साइंस एवं फॉरेंसिक मेडिसिन के विशेषज्ञों ने छात्रों को फॉरेंसिक साइंस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस कार्यशाला में प्रमुखता से बताया गया कि किसी भी क्राइम, हत्या जैसे अपराधों के बाद फॉरेंसिक टीम किस तरह से काम करती है, इस विषय पर जानकारियां दी गई। यहां हम आपको बता दें कि फॉरेंसिक रिपोर्ट को न्यायालय भी अहम प्रमाण मानता है और देश विदेश में बढ़ रही आतंकी घटनाओं ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों की डिमांड भी बढ़ा दी है। वही भारती कॉलेज में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी गई। कार्यशाला को लेकर इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई है। जी, यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस के लिए क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित किया गया है, जो इंडोर और आउटडोर क्राइम सीन के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्राइम सीन को किस तरह से हम मैनेज करेंगे, यानी घटना स्थल की पूरी तरह से उसको स्थानीय रूप से कैसे उसे सुरक्षित किया जाए, कैसे उस पर पुलिस विभाग का उस पर व्यक्तिगत तौर पर उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और कैसे हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है और प्रोसीजर कैसे फॉलो होते हैं, और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए उसे कैसे घटनास्थल से जोड़ा जाता है, और कैसे इसकी जानकारी FSL लैब को पहुंचाई जाती है, जो कि न्याय सहायक विभाग के अंडर आता है। फॉरेंसिक साइंस लैब तो हर एक जगह रीजनल FSLs होते हैं, मिनी FSL और मोबाइल FSLs होते हैं, जिसपे ये घटनास्थल से जो क्राइम सीन से जो सबूत मिलते हैं हमें, वहाँ पर उन्हें भेजा जाता है ताकि उसके वैज्ञानिक तौर पर जाँच की जाए और उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। जी, मैं अशोक दगानी फॉरेंसिक मेडिसिन पैरामेडिक प्रैक्टिशनर हूँ, महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड हूँ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर आती है, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस मुंबई में काम करता हूँ, और मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हूँ एज अ स्पेशल असिस्टेंट टीम मेम्बर के तौर पर। कैनियन इंटरनेशनल इमरजेंसी सर्विसेज USA की है, तो उनको भी मैं मौजूदी तौर पे से काफ़ी कंसल्टेंट्स रिगार्डिंग पैरामेडिक के तौर पे एज अ फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के तौर पे उन्हें जानकारी देता हूँ। जी, यहाँ पे हम लोग भारतीय विश्वविद्यालय में साइंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट ओपन किए हैं। इसके अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला फॉरेंसिक साइंस में आयोजन किया गया है, जिसका टाइटल है क्राइम सीन एंड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें यहाँ पे हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट आए हुए हैं, विराज मंडल जी, ये कांकेर पुलिस में अलाइड है, और साथ साथ यहाँ पे हमारे असहर दलानी जी आए हुए हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। इस कार्यशाला में 300 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिसमें बच्चों को फॉरेंसिक साइंस के बारे में विषय में अवगत कराया जा रहा है, फॉरेंसिक क्या होता है, हमको क्राइम सीन को जो एविडेंस है उस पर हम लोग को क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, इसके लिए अवगत कराया जा रहा है। साथ ही बच्चों को इसके लिए करियर अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है कि स्टूडेंट साइंस के साथ साथ इस नए ब्रांच में अपना पार्टिसिपेट करके कोर्स करने के बाद अपना बहुत ही अच्छा करियर के प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल, भारतीय विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट की शुरुआत की गई है। शुरुआत पर आयोजित कार्यशाला में क्राइम सीन एंड इन्वेस्टिगेशन के तहत जानकारी दी गई है, साथ ही जागरूकता भी लाई गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।